बचपन से यहीं पढ़ा और उसके बाद वहाँ चंडीगढ़ चले गए। चंडीगढ़ जाने के बाद फिर वो भी चंडीगढ़ चले गए, वहाँ उन्होंने ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर वो एयरफोर्स में भर्ती हो गए पायलट के रूप में। उनकी मिसेज भी जो है वो भी पायलट है, तो वहाँ एयर क्रैश में बुरे हुए। तो क्या आपकी सरकार से क्या डिमांड है? हमारी सरकार से यही डिमांड है कि हमारा गांव का नाम रोशन करे, मार्ग बनाए, उसके नाम पे मार्ग बनाए और स्कूल का नाम बनाए। हम बहुत खुश होंगे कि हमारे गांव का कोई ना कोई बच्चा जो है आर्मी में रहते हुए, एयरफोर्स में रहते हुए कुछ ना कुछ काम ले सकते हैं। डिमांड है कि उनके नाम पे हमारे गांव का जो स्कूल है उनके नाम पे हो, और सरकार से हमारी यही डिमांड है कि उनका यहाँ बनाया जाए, वो स्मारक बनाया जाए। कि जो प्रेथी गांव है यहीं पे हमीरपुर से ही है वो, और उनके दादाजी भी आर्मी में थे, फादर भी आर्मी में थे, चाचा जी भी आर्मी में थे। तो बहुत ही अच्छी फैमिली है और उन्होंने पढ़ाई भी यहीं पे की थी। उसके बाद वो चंडीगढ़ चले गए थे, तो स्टडी करने के बाद कमीशन लिया उन्होंने आर्मी एयरफोर्स के अंदर कमांडर बने, और जो उनकी मैरिज हुई है वो भी मिसिज भी उनके पायलट हैं। और देश की सेवा के लिए हमें गर्व है कि उन्होंने हमारे इलाके का नाम रोशन किया, हमारे गाँव का नाम रोशन किया। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि उनके जो भी सरकार की तरफ जो उनकी याद में यहाँ पे स्मार्ट बनाया जाए और स्कूल का नाम जो है उनके नाम से किया जाए और स्कूल को ऑपरेट किया जाए और स्कूल को भी ऑपरेट किया जाए, ताकि एक मिसाल हमारे आने वाली जनरेशन के लिए यादगार बने कि हमीदपुर में भी एक ऐसा नौजवान हुआ जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, अपने प्राण निछावर किए। हमें फ़ख्र है ऐसे नौजवान से जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को निछावर किया।